अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश में रेलवे 105 ब्रिज बनाएगा, पीडब्ल्यूडी ब्रिज का निर्माण करेगा, 3,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, आधा खर्च राज्य सरकार उठाएगी, 50% फंड केंद्र सरकार से मिलेगा। मुख्य सचिव और रेलवे के जीएम की बैठक में ये फैसला हुआ था। मसौदे पर राज्य सरकार ने सहमति जताई। पीडब्ल्यूडी और रेलवे इंजीनियर तैयार करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। राज्य सरकार भी प्रदेश भर में 180 से अधिक पुल बनाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, रेलवे 105 ब्रिज बनाने वाला है, मध्य प्रदेश में अब रेलवे 105 ब्रिज बनाएगा, क्या कुछ जानकारी? देखिए, साल 2014 में रेलवे को नई गति और रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए रेल प्रोजेक्ट की एक नीति लाई गई थी, जिसमें जिसके तहत मध्य प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में जो कनेक्टिविटी वाले राज्य हैं, जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक पैसेंजर को लोडिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं और सबसे ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जिन राज्यों की जरूरत थी, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। लिहाजा जो सेकंड टेंडर है केंद्र सरकार का, उसमें सबसे अहम बात यह है कि मध्य प्रदेश को करीब 3,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित होगा। इसमें से आधी राशि केंद्र के द्वारा दी जाएगी और बाकी का जो बजट रहेगा वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसमें अहम बात यह है कि मध्य प्रदेश में 105 ब्रिजेस जो है वो रेलवे की तरफ से बनाए जाएंगे। रेलवे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करेगा और जो निर्माण की तय की गई है वो पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी के मार्फत इसमें इसका निर्माण किया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि राज्य सरकार ने जो ये योजना है इसकी रिपोर्ट केंद्रीय भेज दी है। जो अभी जो इस योजना को लेकर काम किया जा रहा है, उसमें ये बात सामने आई है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैकेनिज्म है उसको सुधारने के लिए पीडब्ल्यूडी और रेलवे दोनों मिलकर काम करेगा। इसमें अहम बात इसलिए है क्योंकि अभी जो रेलवे ने जो ब्रिजेस बनाए हैं उसमें खास तरीके की तकनीकों का इस्तेमाल किया है, तो इस लिहाज से रेलवे और पीडब्ल्यूडी दोनों के बीच में एक मसौदा भी तैयार हुआ है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल मैकेनिज्म को सुधारने की बात कही गई है। राज्य सरकार भी इसी को ध्यान में रखते हुए 180 से ज्यादा पुल बनाने की तैयारी कर रही है। सबसे अहम जो बात है कि ये जो मसौदा तैयार हुआ है, ये मुख्य सचिव और पश्चिम मध्य रेलवे के जीएम के बीच जो बैठक हुई थी उसमें ये मसौदा तैयार हुआ है, तो राज्य सरकार ने इस मसौदे पर अब सहमति भी जता दी है और इसमें आगामी दिनों में बैठक भी करने का फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव स्तर पर इस बैठक होगी और जो खास बात यह है कि इस पीडब्ल्यूडी ने जो ये नया प्रस्ताव जो दिया है कि रेलवे के इंजीनियर जो प्रदेश में आगामी प्रोजेक्ट होने शुरू होने वाले हैं उसमें काम करेंगे, उसका कारण ये है कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जो बाढ़ आई थी, बाढ़ में कई सारे पुल जो थे वो तबाह हो गए थे। इसमें ये जानकारी जो जांच के दौरान सामने आई कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन है उसमें गड़बड़ी हुई थी, जिसके चलते जो ब्रिजेस थे वो बाढ़ का भार भी होता है, लगातार पानी और जल भराव के चलते पुल टूट गए। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जो पीडब्ल्यूडी है वो रेलवे के इंजीनियरों के साथ समीक्षा करेगा कि कैसे जो विषम परिस्थितियां हैं, जो कठिनाई वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पे सुदूर इलाके हैं, वहाँ पे ब्रिजेस की मजबूती के लिए कैसे काम किया जाए। तो ये जो इशू है इसी को लेकर पीडब्ल्यूडी भी अब रेलवे के साथ काम करने का फैसला किया है। जी, शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल, जिन ब्रिजों की स्थिति खराब हो गई है और कुछ नए ब्रिज भी मध्य प्रदेश रेलवे अब बनाने वाला है। पीडब्ल्यूडी ब्रिज का निर्माण करेगा, 3,000 करोड़ रुपए इस निर्माण कार्य में खर्च होंगे। आधा खर्च राज्य सरकार उठाएगी, 50% केंद्र सरकार से फंड मिलेगा।